दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उस अकाउंट के अंदर आप ज़्यादा बैलेंस भी मेंटेन करके नहीं रखना चाहते हैं और वो अकाउंट आपका घर बैठे ओपन हो जाए, अगर उसके अंदर हमको वीडियो केवाईसी करना ना पड़े तो और मज़े की बात रहेगी। साथ ही अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाए। अगर आप ऐसे ही एक बैंक अकाउंट की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आपकी तलाश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप करुण वैश्या बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। वैसे तो करुण वैश्या बैंक की तरफ से आपको बहुत सारे सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन यहीं पर अगर आप करुण वैश्या बैंक के अंदर अपना एक डीलाइट सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और मैक्सिमम आपको बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली बात है कि घर बैठे अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट की इंस्टेंट ही पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहो तो इसके अंदर केवाईसी को कर सकते हैं, वरना केवाईसी को आप जो है बाद में भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर करुण वैश्या बैंक में कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है, कैसे अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि करुण वैश्या बैंक के अंदर आप दो टाइप से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। पहला तो आप इसकी एप्लीकेशन के माध्यम से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, दूसरा आप इसकी वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में आप अपना जो है डीलाइट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाद में जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप इसके मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं, और जो भी इसके अंदर आप पैसा वगैरह डिपॉजिट करके रखेंगे वहां पर अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बैंक की तरफ से आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसके डेबिट कार्ड के थ्रू एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं, बाकी ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अच्छी खासी लिमिट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस जानेंगे, लाइक इसके अंदर हम कैसे अकाउंट ओपन करेंगे और कैसे दोस्तों यहाँ पर हम अपने अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए आप करुण वैश्या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से इस वेबसाइट का इंटरफेस आपको मिल जाएगा, आप दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों देखेंगे यहां पर पेज को थोड़ा सा ऊपर को बढ़ाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अपना इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, एनपीएस ऑनलाइन कर सकते हैं, और यहां पर आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अकाउंट कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है। तो देखेंगे यहां पर आपका डीलाइट सेविंग अकाउंट मिलेगा, इसके अंदर आपको 1000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। यहीं पर अगर आप ई रेनबो सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो इसके अंदर सेविंग अकाउंट प्लस आपको एफडी भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 3000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब भी अकाउंट ओपन करना, अगर आपको एक बेस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आप डीलाइट सेविंग अकाउंट की तरफ जा सकते हो। तो हम इसी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर बताए गए जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नीचे देखेंगे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बैंक की कुछ आपको कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी जिन्हें आप बहुत आसानी के साथ में यहां पर पढ़ सकते हैं। तो हम इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में दो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको इस कॉलम में टाइप करना है, और जो आप अपनी ईमेल आईडी को बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हो वो मेल आईडी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, और इसके बाद में दोस्तों आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में जो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, अब वाली ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में अपने पैन नंबर को टाइप कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि आप भैया आप इंडिया के बाहर तो टैक्स नहीं पे करते हैं, तो ये आपको ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप इंडिया के अंदर ही टैक्स पे करते हैं। यहाँ पर नीचे पीपी डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि आप राजनीतिक से कोई भी संबंध रखते हैं या नहीं। तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी दोस्तों आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, अब वाली ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि जो कि आपके आधार कार्ड पर जैसे पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका फोटो हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, एड्रेस है, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं फादर नेम के कॉलम में क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपको टाइप कर देना है। बाकी पेज को ऊपर को बढ़ाएंगे तो नीचे एक आपको ऑप्शन मिलता है, दिस इज़ माय कम्युनिकेशन एड्रेस। तो यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड वाला ही कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप एस करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, या फिर दोस्तों अभी के टाइम पर आप दूसरे एड्रेस पर रह रहे हैं और आपका आधार कार्ड का एड्रेस दूसरा है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
और इसके बाद में आपके सामने करंट कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिल करना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी फ्लैट नंबर है टाइप करेंगे, आप अपने स्टेट का नाम टाइप करेंगे, लैंडमार्क टाइप करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, सिटी का नाम टाइप करेंगे, नीचे सेलेक्ट पिन का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर पिन वही वाला टाइप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एड्रेस फिल करने का। अगर मान के चलो कि अगर आपका आधार कार्ड और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एस के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि इस कॉलम में माता जी का नाम टाइप करेंगे, ब्रांच के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किस ब्रांच के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं सेलेक्ट करेंगे, ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्या काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे, एनुअल इनकम के ऑप्शन पर क्लिक करके एक साल में कितने पैसे कमा लेते हैं सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको एक रेफरल कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो रेफरल कोड को आपको फ्री छोड़ देना है। अब अगर मान के चलो बैंक अकाउंट के अंदर आप नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हैं, तो आप एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल फिल करना पड़ेगा। लाइक जैसे नॉमिनी का नाम आपको टाइप करना होगा, अकाउंट होल्डर नॉमिनी का रिलेशन क्या सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आपको टाइप करना होगा, तो अकाउंट के अंदर आपका जो नॉमिनी का नाम है वो भी ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर नॉमिनी का नाम ऐड नहीं करने वाले हैं, तो हम नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में बैंक की तरफ से कुछ आपको कंडीशंस मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर जब नॉमिनी का नाम आप ऐड नहीं करोगे, तो यहाँ पर फुल्ली आपको रीज़न बताया गया है कि नॉमिनी अगर आप नहीं अकाउंट के अंदर ऐड करते हैं तो कौन कौन से डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली बात है, खुदा ना खासा अगर आपकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो अगर नॉमिनी का नाम ऐड होगा तो नॉमिनी को ही पैसा जाएगा, वरना फिर बैंक से पैसा निकालने में काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कैलकुलेशंस का मैसेज मिल चुका है। यहाँ पर भी आपको एक बार फिर से बताया गया कि भैया इस अकाउंट के अंदर आपको 1000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी बैंक की तरफ से देख सकते हैं कि हमें अकाउंट नंबर मिल चुका है, कस्टमर आईडी मिल चुकी है, जो भी डेट एंड टाइम है वो मिल चुका है। अब यहाँ पर केवाईसी करने के आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप अगर वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं, या डायरेक्ट दोस्तों आप ब्रांच जाकर अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ब्रांच जाकर भी अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना है, तो वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इंस्टेंट ऐप के वाईसी को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप एस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आपका वीडियो के वाईसी का पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। या फिर दोस्तों अगर आपको ब्रांच जाकर के वाईसी को कंप्लीट करना है, तो आप बैक आएंगे और नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इन पर्सन एट ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि बिना केवाईसी के 365 दिन के लिए इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद में इसकी केवाईसी को आपको कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एक करुण वैश्य बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस, जहां पर हमने ये भी आपको दिखा दिया कि बिना वीडियो के केवाईसी के इस अकाउंट को आप एक साल तक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब इसके बाद में आप इसकी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, जिससे आप गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो के अंदर लाइव दिखा दिया है। तो अगर आपको वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानकारी समझ आ गई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।